नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि जो AIB एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम जो होता है, जिससे आप एज अ एडवोकेट रजिस्टर्ड होते हैं, वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले होते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो आज हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है, इसको क्रैक करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप ये एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो फिर आपकी जो लॉयर के तौर पर रजिस्ट्रेशन काम करने की जो प्रक्रिया होती है ना, वो 2 सालों तक ही रह जाएगी। फिर उसके बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर आप उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है, AIBE होता है, वो होता क्या आखिरकार। देखिए, AIBE एक एग्ज़ाम है जो कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम है। बेसिकली इसका तात्पर्य ओपन बुक एग्ज़ाम से ये है कि आप किताब लेकर बैठ सकते हैं, किताब से देखिए क्वेश्चन कौन से कहाँ पे आ रहे हैं, किस में क्या है, डिटेलिंग है। अगर आप बुक प्रॉपरली पढ़ के जाएंगे तो सारी चीज़ें आप कर ले जाएंगे। तो मतलब बेसिकली ओपन बुक एग्ज़ाम है, किताब से देख के आपको इसमें समझ लीजिए उत्तर टिक करने हैं। ठीक, तो अगर आप पढ़े रहोगे तभी तो किताब से देख के आप उत्तर इसमें टिक कर पाओगे, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। तो ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम एक ओपन बुक एग्ज़ाम है और अब हम कवर करने की कोशिश करेंगे इसमें कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से। देखिए, जो संवैधानिक कानून है उससे आपके 10 प्रश्न कम जो है कवर अप होने वाले हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। IPC यानी कि जो भारतीय दंड संहिता है उससे आपके 8 प्रश्न आएंगे। CRPC जो हो गई आपकी आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो हो गई उससे आपके टोटल जो आएंगे 10 प्रश्न आएंगे। CPC यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता से आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं, 10 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, तो जो साक्ष्य अधिनियम आएगा यानी कि एविडेंस जो है लॉ हो जाएगा आपका, उसके 8 प्रश्न आएंगे। जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होता है यानी कि वैकल्पिक विवाद निवारण मध्यस्थता जो मैट सिस्टम होता है, उससे आपके 4 प्रश्न आ जाएंगे। जो फैमिली लॉ है यानी कि पारिवारिक कानून से आपके कितने प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न आएंगे। अब जनहित याचिका PIL पर जो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रशासनिक कानून है, ठीक है, उसमें 3 प्रश्न आने वाले हैं उसके। और जो पेशेवर नैतिकता और BCI के जो नियम है, ठीक है, उसके आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो कदाचार के मामले, व्यावसायिक कदाचार के मामले हैं, उसमें आपके 2 प्रश्न आएंगे। एनवायरमेंटल लॉ यानी कि पर्यावरण लॉ से आपके 2 प्रश्न आएंगे। और साइबर कानून से आपके कितने प्रश्न आ जाएंगे, आपके साइबर कानून से जो प्रश्न आने वाले हैं वो 2 प्रश्न आने वाले हैं। और इस तरीके से मोटर व्हीकल अधिनियम जो और उपभोक्ता संरक्षण के जो मामले आते हैं, उसमें आपके टोटल जो प्रश्न आएंगे, वो आपके जो टोटल प्रश्न होंगे उसमें टोटल प्रश्न जो आपके होंगे वो होंगे जो है 8 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, भूमि अधिग्रहण का जो मामला आएगा उसमें से आपके टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, आपके भूमि अधिग्रहण के मामले से 2 प्रश्न हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये क्लियर हो जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी उसकी तिथि रखी गई है 24 जनवरी को, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन जो आया था, एडमिट कार्ड 5 तारीख को भी आ गया है। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि हमारे इसमें क्या क्या टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आसानी से हम लोग इसको क्लियर कर ले जाएंगे। तो इसको देखिए और समझिए और करिए। और बार काउंसिल का एग्ज़ाम बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल चुका क्या क्या आना है। एक चीज़ रह गई थी, बौद्धिक संपदा वाला जो मामला रह गया है, बौद्धिक संपदा का जो क्वेश्चन आएगा उसमें 2 प्रश्न आएंगे। भूमि अनुबंध जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उससे आपके 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। अनुबंध कानून जो हो जाएगा, विशिष्ट राहत कानून हो जाएगा, संपत्ति कानून जो हो जाएगा, पराक्रम लिखित अधिनियम से 8 प्रश्न आ जाएंगे। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जिनको आपको टिक करना होगा। आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका भाई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगे, एडवोकेट ऑन रोल हो जाएंगे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, एडवोकेट ऑन रोल जो होता है हाईकोर्ट में होता है। तो इस तरीके से आप एज अ लॉयर रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद। तो इस एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं नो डाउट आप लोगों को एकदम हेल्प कर दूंगा। मैं भी क्योंकि LLB कर चुका हूं और एज अ लॉयर कार्य कर रहा हूं धीरे धीरे, और ठीक है, आप लोगों को कोई मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आस्क करिए। एकेडमिक्स को लेके मैं यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर एकेडमिक्स को लेके कोई आपको दिक्कत है, कुछ है जो मेरे से हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी इंसान नहीं हूँ, जो मेरे से हो सकेगा आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।